हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के ऊपर। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग किन किन एरियाज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म या फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर होता क्या है और ये कहाँ से आया। उसके बाद हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ कॉमन थीम्स को देखेंगे। फिर हम लोग फ्रांस फैनन, जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के, उनके व्यूज़ को जानेंगे। उसके बाद हम लोग एडवर्ड सेड की एक बहुत ही फेमस बुक ओरिएंटलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे और एडवर्ड सेड के खुद के क्या व्यूज़ रहे हैं कॉलोनियलिज्म को लेकर, उसको देखेंगे। और फाइनली लास्ट में हम लोग कवर करेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को और उससे कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न्स को। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा वीडियो है इसे शुरू करते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को समझने से पहले हमें ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल की, इसे समझना होगा। तो जब एक डेवलप्ड और एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरे देश पर अटैक कर देता है जो कि उससे कम पावरफुल है और उससे कम डेवलप्ड है, और जब वो उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करने लग जाता है, उसके लैंड को, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को, उसके पीपल को, और उसे अपना गुलाम बना लेता है, तब उसे हम लोग कॉलोनाइजेशन कहते हैं। और जब उस अंडर डेवलप्ड कंट्री को फिर से अपनी आज़ादी वापस मिल जाती है, अपना फ्रीडम वापस मिल जाता है दूसरे देश के गुलामी से, कॉलोनियल रूल से, तब इस फेज को हम लोग डीकोलोनाइजेशन कहते हैं और इसके बाद के समय को हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। और जो भी लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में लिखा गया है या फिर आफ्टर द इंडिपेंडेंस लिखा गया है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, उसे हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का जो कंसेप्ट है वो ऐसे देशों से निकल कर आया है जो पहले ब्रिटेन, फ्रांस या फिर किसी और कॉलोनियल पावर के गुलाम रहे हों, यानी कि करेबियन, अफ्रीका या फिर इंडिया जैसे देशों से निकल कर आया है। और जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो भी बेसिकली इसी तरह के लिटरेचर से डील करता है जो ऐसे देशों में प्रोड्यूस किए गए हों या फिर लिखे गए हों जो खुद कभी किसी और देश के कॉलोनीज रह चुके हों। और अब हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अदरिंग या अदरनेस का कंसेप्ट। तो अदर का यहाँ पर ये मतलब है कि जिस तरह से पहले ज़माने में एक आदमी एक औरत को अपने बराबर नहीं समझता था और उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता था, ठीक उसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे और हमें, यानी कि कॉलोनियल नेटिव्स को, एज अ स्लेव समझते थे, नॉट एज द मेन बट एज द अदर समझते थे, और वो हमारे विशेष को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। और इस अदरिंग के कंसेप्ट में दो और तरह के कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, जिसमें पहला है एक्जॉटिक अदरिंग और दूसरा है डिमोनिक अदरिंग। तो अगर आपने बाइजेंटियम पढ़ा है या फिर अ पैसेज टू इंडिया पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि ईस्टर्न कंट्रीज़ को हमेशा ही ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर पोर्ट्रे किया जाता है जैसे कि वो बहुत ही मिस्टीरियस जगह है या एक्जॉटिक जगह है जहाँ पर मैजिशियंस हैं, स्नेक चार्मर्स हैं, और सब कुछ ही बहुत प्रिमिटिव और अंडर डेवलप तरीके से है। और इस एक्जॉटिकनेस में भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी है और ये ईस्टर्न कंट्रीज़ को एक डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा है डिमोनिक अदर, जो कि ईस्टर्न कंट्रीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जैसे कि ईस्टर्न कंट्रीज़ बहुत ही इन्फीरियर हैं, नेगेटिव हैं और ईवल हैं। और इसका जिक्र जोसेफ कॉनराड के एक नोवेल हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी बखूबी किया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट, जिसका मतलब है मिक्सिंग ऑफ कल्चर। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट इंडिया से अमेरिका जाता है अपने हायर स्टडीज़ के लिए और वहाँ जाकर वो उनके कल्चर्स के साथ अपने कल्चर को मिक्स कर लेता है, तो इसे हम हाइब्रिडिटी कहते हैं, यानी कि बिना किसी एक कल्चर को छोड़े दोनों कल्चर को मिक्स कर देना। और यही आगे चलकर डबल कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को जन्म देता है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। और अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉमन थीम्स को, और ज़्यादातर जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर लिखे गए हैं वो इन्हीं कॉमन थीम्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इमिग्रेशन, नेशनल आइडेंटिटी और एलिजियंस एंड चाइल्डहुड जैसे थीम्स पर। तो सबसे पहला है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर इस थीम को फॉलो कर अपनी वर्क को लिखता है वो यही दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया था अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए। वो उनके बीच के स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश करता है, उनके बीच के टेंशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, जिसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमें सलमान रश्दी के एक नोवल मिडनाइट चिल्ड्रन में मिलता है। और फिर नेक्स्ट थीम है इमिग्रेशन का, जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि किस तरह से लोग या फिर कोई इंडिविजुअल अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जाकर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं।
और फिर थर्ड थीम है नेशनल आइडेंटिटी पर, जिसका एग्जांपल हमें वीएस नाइपॉल की एक बहुत ही फेमस नोवेल अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास से मिलता है, जहां पर मिस्टर बिस्वास कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाते हैं अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। और इसी तरह से बाकी कॉमन थीम्स भी हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं फ्रांस फैनन के बारे में। तो फ्रांस फैनन एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के, और उन्होंने जो वर्क्स प्रोड्यूस किए 1960s के दौरान, जैसे कि द रेचेड ऑफ द अर्थ जो कि लिखा गया था 1963 में, फिर लेटर ऑन उन्होंने लिखा 1967 में ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्जीरिया एंड इट्स फ्रेंच कॉलोनियल ऑक्यूपेशन। तो इन वर्क्स को सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट माना जाता है 20th century का। और फैनन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे ये देखकर कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म का साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है और ह्यूमन ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, ऑन बोथ द कॉलोनाइजर्स जिन्होंने दूसरों को गुलाम बनाया एंड ऑन कॉलोनाइज जो खुद गुलाम बने। कॉलोनियल मास्टर्स बार बार कॉन्स्टेंटली नेटिव पीपल को ऐसे रिप्रेजेंट किया करते थे जैसे कि वो ईवल हैं, प्रिमिटिव हैं या फिर बिल्कुल ही सैवेज या जंगली हैं, जिससे क्या हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खुद इस आइडिया को, इस नोशन को एक्सेप्ट करने लगे और इसे सच मानने लगे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि समय के साथ वो खुद अपने आप को ईवल और प्रिमिटिव मानने लगे। और जो ब्लैक मैन थे यानी जिनके स्किन की कलर ब्लैक थी, कॉलोनियलिज्म ने तो उनकी सेंस ऑफ सेल्फ को, उनकी पहचान को यानी मैं कौन हूँ, इस पूरे आइडेंटिटी को ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, बर्बाद करके रख दिया था। और वो लोग अब अपने आप को सिर्फ वाइट मैन के नज़रिए से देखते थे, उनके दृष्टिकोण से देखते थे, और उनके लिए मैन का मतलब ही अब सिर्फ वाइट मैन था, क्योंकि उस समय सिर्फ सिविलाइज लोगों को ही मैन के टर्म से एसोसिएट किया जाता था। और इस तरह के साइकोलॉजी को हम आज भी देख सकते हैं, जब हमारे देश को ब्रिटिशर्स की गुलामी से आज़ादी मिले कई डिकेड्स बीत गए हैं, फिर भी हमारे देश में आज भी उनके दिए गए एडुकेशन सिस्टम, उनके दिए गए कल्चर्स को हम आज भी प्रैक्टिस करते हैं और उन्हें ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है आज भी इस गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाया है। तो फैनन के व्यूज़ को देखने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं ओरिएंटलिज्म के बारे में। तो ओरिएंटलिज्म को मॉडर्न एरा का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक माना जाता है, जिसे लिखा था एडवर्ड सेड ने इन द ईयर 1978। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस बुक ने ही पोस्ट कॉलोनियल फील्ड की शुरुआत की थी। इसे बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव स्टाइल में लिखा गया है विद अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन, और इस बुक ने वेस्टर्न और ईस्टर्न एकेडमिक्स के प्रिंसिपल्स को ही चेंज करके रख दिया था और एक इंटेलेक्चुअल कैओस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था। और जो यूरोपियंस थे या फिर कॉलोनाइजर्स थे, उन्होंने एक ऐसी इमेज कंस्ट्रक्ट की थी, एक ऐसी छवि बनाई थी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, वो सब प्रिमिटिव हैं, सैवेज हैं, अनडेवलप्ड हैं और बिल्कुल ही क्रिमिनल हैं। तो इसी कंस्ट्रक्शन को ओरिएंटलिज्म कहते हैं। और एडवर्ड सेड का ये मानना था कि कॉलोनियलिज्म असल में एक मिलिट्री पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जो कि यूरोपियंस को पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर कंट्रीब्यूट करता है ओवर द नेटिव्स। और यूरोपियंस अपनी मौजूदगी को, अपने प्रेजेंस को ये कहकर जस्टिफाई करते थे कि हम लोग पुअर हैं, हम लोग अनसिविलाइज्ड हैं, अनडेवलप्ड हैं, और ये उनकी ड्यूटी है, उनका टास्क है कि वो हमें गवर्न करे और हमें डेवलप बनाए, क्योंकि वो वाइट पीपल हैं और वो खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। और गायत्री स्पिवाक जो कि एक लीडिंग पोस्ट कॉलोनियल थियोरिस्ट मानी जाती हैं, उन्होंने भी अपने एसे की ओपनिंग कुछ एडवर्ड सेड की तरह ही की थी, जिसका नाम था द थ्री वुमेन टेक्स एंड अ क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म, जो कि पोस्ट कॉलोनियल थियोरी से डील करता है। और अब फाइनली हम लोग पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं और उसके कुछ सिग्निफिकेंट कंसर्न्स को। तो सबसे पहला है असर्टिंग कल्चरल इंटीग्रिटी। तो कॉलोनियल रूल के दौरान यूरोपियंस क्या करते थे, वो लोग अपने कल्चर को और अपने ट्रेडिशंस को स्प्रेड करने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए वो लोग नेटिव पीपल के प्रैक्टिसेस को और उनके कल्चर को यूजली साइड कर देते थे या फिर ओपनली सप्रेस करते थे। तो इसी के रिस्पांस में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उन ट्रेडिशंस को और उन कल्चरल प्रैक्टिसेस को दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करता है और उसके रिचनेस को रिस्टोर करने की कोशिश करता है जिसे यूरोपियंस ने ख़राब करने की कोशिश की थी। और फिर नेक्स्ट है रेजिस्टेंट डिस्क्रिप्शन। तो यूरोपियंस हमेशा से ही नेटिव पीपल को वही बताते थे और वही दिखाते थे जो उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने नज़रिए से सही लगता था। पर जब लोगों को आज़ादी मिली तब पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स ने काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस में बताया नेटिव पीपल के बारे में और उनके रियल सेल्फ के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके प्रैक्टिसेस के बारे में, और काउंटर अटैक किया उन स्टीरियोटाइप और अनएक्यूरेट कंसेप्ट्स को जिसे यूरोपियंस ने या फिर कॉलोनाइजर्स ने एडुकेशन सिस्टम, सोशल टैक्स और बाकी जगह पर फैला रखा था। और लास्ट में है अप्रोप्रिएशन ऑफ द कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज।
तो ज़्यादातर जो कॉलोनाइज कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और अगर हम इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पर 12 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है अलॉन्ग विद इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स तो अपने ही कॉलोनाइज़र के लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं, बट कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं जैसे कि अरुंधति रॉय, जिन्होंने अपने नेटिव फ्रेजेस और सेंटेंसेस को इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मिक्स करके एक नया स्टाइल क्रिएट किया और अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर एक नया शेप दिया उस लैंग्वेज को, जिसे उन्हें फोर्सफुली अडॉप्ट करना पड़ा था। तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।